हरियाणा में बीजेपी ने फेल किया कांग्रेस का ये खास प्लान, ये रहे जीत के अहम फैक्टर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए 48 सीटें जीती। भाजपा ने दलित और जाट वोटों में महत्वपूर्ण सेंध मारी की। कांग्रेस को 17 दलित सीटों में से केवल 9 सीट मिल पाई। हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर को दरकिनार कर जीत की हैट्रिक बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी दलितों और जाटों के गढ़ में महत्वपूर्ण पैठ बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस एक दशक तक सत्ता से बाहर रहने के बाद वापसी के लिए दलित और जाट वोटों पर काफी हद तक निर्भर थी। इतना ही नहीं, बीजेपी अहिरवाल क्षेत्र और जीटी रोड क्षेत्र में भी अपनी सीटें बरकरार रखने में सफल रही, जिससे हरियाणा में कांग्रेस की वापसी की योजना ध्वस्त हो गई। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान हुआ और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए गए। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो मौजूदा चुनावों में कांग्रेस द्वारा जीती गई सीटों से 11 अधिक है, जबकि जननायक जनता पार्टी यानी जजपा और आम आदमी पार्टी यानी आप जैसी पार्टियों का सफाया हो गया और इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो को सिर्फ 2 सीटें मिली। एग्जिट पोल में कांग्रेस की आसान जीत के अनुमान को गलत साबित करते हुए बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। 17 SC सीटों में 9 कांग्रेस के खाते में। हरियाणा की 17 अनुसूचित जाति यानी SC सीटों में से बीजेपी ने 8 विधानसभा क्षेत्रों नीलूखेड़ी, पटौदी, खरखोदा, होडल, बावल, नरवाना, इसराना और भवानी खेड़ा पर जीत हासिल की। होडल से कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख उदयभान बीजेपी के हरिंदर सिंह से हार गए। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने शेष 9 SC सीटों सढ़ौरा, शाहबाद, रतिया, उकलाना, कलानौर, कालांवाली, झज्जर, गोहला और मोलाना में जीत हासिल की।